किताब है अंजलि, और क्या। ये चेहरा तो रोज ही पढ़ता हूँ ना अंजलि। वही तो, इतनी खूबसूरत पत्नी आपके सामने है, फिर भी किताब हाथ में आते ही आप पत्नी को भी भूल जाते हैं। अरे तुम भी क्या अपनी तुलना इस किताब से कर रहे हो अंजलि। लो रख दी किताब। अरे आगे किताब पढ़। तारक बोलो। मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। तोहफा मेरे लिए? क्या बात है भाई, आज क्या खास है? आज हमारी एनिवर्सरी नहीं है हमारी, आज मेरा बर्थडे भी। कहाँ है मेरा बर्थडे? आज हम पहली बार मिले थे, वो डेट नहीं, वो डेट भी नहीं। किस लिए भाई? बस ऐसे ही। ऐसे ही बिना किसी मौके के? प्यार किसी खास मौके का मोहताज थोड़ी होता है। ओहो। वो तो कभी भी कहीं भी जताया जा सकता है। क्या तोहफा है बताइए? आंखें बंद कीजिए, खोलिए, ये लीजिए, इसे पहन लीजिए। लॉकेट? क्या बात है भाई, इसमें क्या खास है? इसमें क्या कोहिनूर लगा है क्या? कोहिनूर ही समझ लीजिए, पहन लीजिए ना प्लीज। अरे भले ही कोहिनूर ही क्यों ना हो, हमें कोहिनूर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्ज किया है। इरशाद, इरशाद। चांद माना कि तुझे ये गुरूर है, चांद माना कि तुझे ये गुरूर है कि तेरे पास चांदनी का नूर है, पर तुझे क्या मालूम हमारे तो घर में ही कोहिनूर है। जिसकी वजह से खुशियां हमारे पास है, दुख कोसों दूर है, और जिंदगी में हंसी और खुशी भरपूर है। हमारी अंजलि ही हमारी कोहिनूर है। वाह 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 तारक, सो स्वीट, आपने तो मुझे कोहिनूर बना दिया। भाई कोहिनूर की बात चली तो कोहिनूर बना दिया, चांद की बात चलती तो चांद बना देते, हम लेखकों का क्या है, तो चाहे बना दे। Actually, so cute of you. पहले आप ये फिलहाल पहन लीजिए ना प्लीज। हाँ अंजलि, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अचानक ये लॉकेट क्या सोची तुम्हें? दरअसल बात ये है कि बबीता जी की एक फ्रेंड है रत्नावली, वो ये सब रत्नों के बारे में जानती है, वो आज आई थी तो उनसे मैंने आपके लिए ये लॉकेट लिया है, प्लीज पहनिए ना। अच्छा किया, लेकिन ये लॉकेट पहन नहीं सकता। पहन लीजिए ना प्लीज। अंजलि तुम तोहफा लाई हो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन लॉकेट पहन नहीं सकता। अरे मैं पहनता ही नहीं, कभी देखो मैं कभी नहीं पहनता हूँ इस तरह की चीजें। प्लीज तारक पहन लीजिए ना मेरे लिए। अंजलि जिद मत करो ना भाई, वैसे मुझे पता चल गया है कि तुम्हें लॉकेट क्यों पहनाना चाहती हो मुझे। ये भगवान, कहीं तारक को शक तो नहीं हो गया? क्या पता चल गया क्यों पहनाना चाहती हूँ मैं आपको? यही कि आज आप लॉकेट गिफ्ट में देंगी और कल मुझसे नेकलेस मांगेगी, लाइए नेकलेस लाइए। नहीं मैडम, आज की स्थिति अभी ऐसी नहीं कि मैं अफोर्ड कर सकूँ। नहीं तारक, मैं कुछ नहीं मांगूंगी इसके बदले में, पक्का, प्लीज आप पहन लीजिए ना मेरे लिए। चलो ऐसा है तो ठीक है, वैसे रत्न लग बड़ा अच्छा था। अच्छा ही नहीं है, इस लॉकेट के तो बहुत सारे फायदे भी है मिस्टर मेहता। अब वो कल ना रत्नावली जी क्लब हाउस में आने वाली है 12 बजे, और इन रत्नों के फायदे के बारे में ज्यादा बताने भी वाली है। वैसे तारक कल 12 बजे आपका और कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना? नहीं, वैसे तो कोई प्रोग्राम नहीं, लेकिन मुझे किताब पूरी करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, आई वांट टू फिनिश इट। नहीं तारक, आपको थोड़ी देर के लिए तो मेरे साथ क्लब हाउस आना ही पड़ेगा, और फिर आने में हर्ज भी क्या है, जब रत्नावली जी रत्नों के बारे में बता रही होगी तो आप भी थोड़ी जानकारी ले लेना। देखिए फ्यूचर में अगर रत्नों के बारे में कोई आर्टिकल लिखना हुआ तो यही तो जानकारी आपको काम आएगी। ये भी ठीक, जानकारी मिलती है तो अच्छी बात है, चल पड़ेंगे थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिलहाल आप ये लॉकेट पहन लीजिए प्लीज। चलो भाई इतनी जिद कर रही हो तो। वैसे क्या हो सकता है इस रत्न में, फायदा क्या हो सकता है? काफी फायदे है। वो फायदे क्या है वो आप कल रत्नावली जी से पूछ लेना 12 बजे क्लब हाउस में। लेकिन इस लॉकेट को पहनने का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताती हूँ। क्या? यही कि आप ये लॉकेट पहनेंगे तो आपकी पत्नी के मन को संतुष्टि मिलेगी। अरे भाई हमारी पत्नी के मन की संतुष्टि के लिए तो हम कुछ भी पहन सकते हैं, लो अभी पहन ले। किधर गया? यही जो रखा था। रोशन मेरी एक चीज गुम गई है, वो ढूंढ रही हूँ। सुनिए
चीज तो मेरी भी एक गुम गई है, साथ ही साथ वो भी ढूंढ दे। क्या रोशन? और मेरा दिल सोनिया। रोशन, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। मैंने एक लॉकेट उधर रखा था, लेकिन अभी वो मिल ही नहीं रहा है। ओ अच्छा अच्छा, लॉकेट? हाँ, तूने देखा है क्या? ओए सोनिया, ओ मैंने तो तेरे सिवा कुछ दिखा ही नहीं है यार। रोशन, समझवाने की कोशिश करना, लॉकेट ढूंढना पड़ेगा। ओ सोनिया, वो वैसे लॉकेट था किसके लिए? लॉकेट मैं लाई थी खास तेरे लिए। ओए सोनिया, मैं सदके जावा, मारी जावा, और मेरे लिए मेरी सोनिया लॉकेट लेके आई। ओए थैंक यू, लव यू, लव यू। रोशन, सो थैंक यू, लव यू, लव यू। इधर लॉकेट खो गया और तू खुश हो रहा है? ओ सोनिए, ओ तू मेरे लिए लॉकेट लाई है, ओ मैं इस बात से बहुत खुश हो रहा हूँ यार, तूने तो दिल खुश कर देता। लेकिन रोशन, जब तक लॉकेट नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं खुश हो पाऊंगी। ओ सोनिए, तू दुखी ना हो, तेरे को लॉकेट चाहिए ना, मैं कुछ करता हूँ। रोशन, तू खेलो चाहे खेलो, मैं कब से लॉकेट ढूंढ रही हूँ, तू बोलता पर नहीं है। कितना परेशान हूँ, कितना टेंशन हूँ, कब से इधर उधर ढूंढ रही हूँ, बोल वो तो चाहिए। रोशन, ओए सोनिए, और तू मेरे ये लाई थी तो मैंने पहन लिया। पर बोलना तो चाहिए ना रोशन। ओए सोनिए, और मैं तो मजाक कर रहा था, तुझे तो पता ही है, वो तेरे साथ मजाक करना मेरे को बहुत मजा आता है यार, मजा आ जाता। चल चल, बस कर अबे। हाँ, ओए बस करना, मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है ठीक है, अच्छा हुआ तूने लॉकेट पहन लिया। ओए तू लाएगी तो लॉकेट का चीज है, और तेरे लिए तो फांसी का फंदा भी पहन लूं यार। ओ आर यू सो काईपन बोले छे रोशन? ओ काईपन नहीं, ओ दिल दी बात बोलो जो। अच्छा बाबा, सुनिए एक गल दस। हाँ? तू मेरे लिए लॉकेट क्यों लेके? वो रोशन, बबीता की एक फ्रेंड है रत्नावली, वो रत्नों की एक्सपर्ट है, वो आज हमसे मिलने आई थी, तो उसने ही लॉकेट हमको दिया है। सब लेडीज को दिया? हाँ रोशन, इस लॉकेट में जो रटन लगा है ना, उसके बहुत बहुत सारे फायदे हैं। और काले बपोर ना 12 बजे रत्नावली हम सबसे मिलने क्लब हाउस आने वाली है, और वहीं पर वही रटनों के फायदे के बारे में डिटेल में बताएगी। ओ फायदा हो या नुकसान, ओ की फर्क पैंदा है? और तू मेरे लिए लॉकेट लेके आई है, और मुझे तो पहनना ही है यार। चल थैंक यू रोशन, तूने लॉकेट पहन लिया। पर सुन, अभी से निकालना मत। हाँ सोनिए, ओए तू लेके आई है, जान चल जाएगी पर लॉकेट नहीं निकलेगा। गुड बॉय। वेरी गुड गर्ल। अय्यर, अपनी आंखें बंद करो। बबीता, मैं आंखें बंद करेगा तो लैपटॉप पे काम कैसे करेगा? ओ ओ, जरा दो मिनट के लिए अपने लैपटॉप को बाजू में रखो और अपनी आंखें बंद करो। अय्यर, एज यू विश। ओके, एक मिनट एक मिनट। बबीता, अरे ये क्या पहन आ रहे हो? अरे अपनी आंखें खोलो और खुद देख लो। बबीता, ये क्या है? तुम्हारे लिए लाई हूँ, अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन बबीता ये लॉकेट वॉकेट पहनना मेरे को पसंद नहीं है। क्यों, लॉकेट में क्या खराबी है? नहीं, खराबी कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। लॉकेट पहनने में प्रिंसिपल्स कहाँ से आ गए? अरे देखो बबीता, देखो मेरा मानना है कि ये लॉकेट और ज्वेलरी पर लोग जितना खर्चा करते हैं ना, उतना साइंस और टेक्नोलॉजी पर खर्चा करेंगे तो हम साइंटिस्ट लोगों का और भला कर पाएंगे, उनको और खुशियाँ दे पाएंगे। दिस इज टू मच। हाँ, अरे व्हाट हैपेंड? अगर दुनिया वालों को खुशी देनी है ना, तो पहले अपने घर से शुरू करो, पहले अपनी बीवी को खुश रखो, बाद में दुनिया को। अमिता, मैं तुमको खुश रखने का हमेशा ट्राई करता है। तो फिर ये क्या है? मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से कोई चीज लाई हूँ और तुम हो किसे धुतका रहे हो? तुम ना मुझे बहुत हर्ट कर रहे हो। अरे बबीता बबीता, देखो मैं तुमको हर्ट करना नहीं चाहता था। तुम ना बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। क्या बात कर रही हो बबीता, नाने रूम पर रोमांटिक ही रहे। मैं बहुत रोमांटिक हूँ। या रोमांटिक होते ना तो तुम ये मेरे हाथ में निकाल के नहीं देते। ओह माय गॉड, देखो बबीता, तुम मेरे को समझ नहीं रही हो। मैं सब समझती हूँ बबीता, मैंने लॉकेट नहीं पहना तो इसमें क्या बड़ा अर्थ कह कहा गया? अय्यर, ये सिर्फ एक लॉकेट नहीं, ये मेरा प्यार है, तुमने इसे ठुकरा के ना मेरे इमोशंस को हर्ट किया है।
देखो बबीता, बबीता देखो मेरी बात समझने का। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। बबीता देखो मेरी बात सुनो, देखो बबीता इतना ओवर रिएक्ट मत करो, मेरे तो गलती हो गया बस। अब मेरे को नहीं मालूम था ये लॉकेट को लेकर तुम इतना इमोशनल हो जाएगा। बबीता ये देखो मैंने तुम्हारा लॉकेट पहन लिया। थैंक यू सो मच। पर बबीता मेरे को पहले ये बताओ, ये तरनली तुमको मेरे लिए ये लॉकेट लेने का मन कैसे हुआ? वो क्या है ना, हम सब लेडीज ने ऐसा लॉकेट लिया है। हा? मेरी एक फ्रेंड है रत्नावली, वो रत्नों की एक्सपर्ट है, उसने हम सबको एक एक लॉकेट दिया है। फिर तो तुम्हारी फ्रेंड ने ये भी बताया होगा कि ये लॉकेट के बेनिफिट क्या है। नहीं क्या है, मेरे को भी स्टोन का केमिकल स्ट्रक्चर जानने में बहुत इंटरेस्ट है। ओह ग्रेट, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम एक काम करो, कल रत्नावली 12 बजे क्लब हाउस में आ रही है रत्नों के बारे में बताने के लिए। हाँ। तो तुम्हें अगर इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो तुम भी कल आ जाओ विदाउट फेल। तुम्हारा खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता है। थैंक यू सो मच। ये लॉकेट और टप्पू के पापा का गला, जैसे ही टप्पू के पापा सारा शॉप से आएंगे मैं उनको ये लॉकेट पहना दूंगी। ये अभी तक आए क्यों नहीं? अरे आ गए टप्पू के पापा। आ गया, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते सारा शॉप से। हाँ वो चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी? नहीं बताऊंगा। क्यों? तू मुझे नहीं बताती तो मैं क्यों बताऊं? मैंने भला आपको क्या नहीं बताया? तुम लोगों की क्या सीक्रेट मीटिंग हुई तूने मुझे बताया? अचानक इसके का इम्तिहान लेने की क्या जरूरत आनी पड़ी? बस ऐसे ही। वो मैं देखना चाहती हूँ कि आज भी आपके इश्क में वही ताकत है या वक्त के दिमाग ने उसे खराब बना दिया। इश्क प्यार मोहब्बत जिंदगी में एक ही बार की जाती है, जो मैंने तुमसे की है मेरी काकी, मेरी बांकी बिहारी। चल तू भी क्या याद रखेगी, ले ले मेरे इश्क का इम्तिहान ले ले। चल बता क्या करना है मुझे? बस सिर्फ ये लॉकेट पहनना है। बस सिर्फ लॉकेट पहनना है? ला ला उसमें कौन सी बड़ी बात है। ला एक मिनट, इश्क के इम्तिहान में सिर्फ लॉकेट पहनना है? क्यों क्या पहने ना? अरे लेकिन लॉकेट पहनने से इश्क का इम्तिहान कैसे होगा? आप बहुत बेफिजुल की बातें कर रहे हैं। ये लॉकेट कहाँ से लाई तू? ये हाँ ये लाई हूँ कहीं से। कहीं से मतलब कहाँ से? जरूरी है। हाँ क्योंकि तू जिस जिस दुकानों से ज्वेलरी खरीदती है वो सब दुकान वालों को मैं जानता हूँ। पर मैं इस दुकान से नहीं लाई है। तो किसी तांत्रिक मंत्रिक बाबा से लेके? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जाने दीजिए, आपसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समझ गई। क्या? वक्त के दीमक ने आपके इश्क को खोखला बना दिया है। ये फिल्मी वड़ा बंद करो, सीधा सीधा बता ये लॉकेट पहनने के पीछे क्या राज है? अरे इसके
पीछे कोई राज नहीं है, मेरे राज। तो फिर बताते क्यों नहीं है, ये लॉकेट कहाँ से लाई तू? आप ना बहुत जिद्दी है। जिद्दी मैं? हाँ। जिद्दी मैं नहीं, जिद्दी तू है। मैं? हाँ, सुबह से पूछ रहा हूँ तुम लोगों की सीक्रेट मीटिंग किस लिए थी, लेकिन तूने नहीं बताया तो नहीं ही बताया। अच्छा चलो बताती हूँ। हाँ। ये लॉकेट ही हमारा सीक्रेट है। लॉकेट? बबीता जी की एक सहेली है, रत्नावली। रत्नावली? हाँ। कहाँ रहती है? एरावली पर्वतमाला में? अरे अब सुनिए ना जरा। देखिए उनका नाम रत्नावली शायद इसलिए है क्योंकि उनका रत्नों का बहुत बड़ा कारोबार है। आपको पता है उनको रत्नों की बहुत सारी जानकारी है और उनके पास ऐसे रत्न के बहुत सारे लॉकेट थे। तो हमारी गोकुलदान सोसाइटी की सभी बहनें अपने पतिदेव के लिए ऐसे लॉकेट ले रही थी, तो फिर मैंने भी आपके लिए ऐसा लॉकेट ले लिया। और ऐसा रत्न वाला लॉकेट पहनने से क्या क्या फायदे होते हैं उसकी जानकारी देने के लिए रत्नावली बहन खुद कल 12 बजे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आने वाले हैं, तो तब सबको एक साथ समझा देंगे। अच्छा 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 ठीक है, रख दे लॉकेट रख दे। अरे रख दे क्या, आप इसे पहन लीजिए ना अभी। अभी? अभी कहाँ, अभी तो सोना है ना, सुबह उठ के पहन लूंगा। अरे सुबह पहनो या अभी पहनो, बात तो एक ही है ना। मैं भी वही कह रहा हूँ दया, अभी पहनू क्या सुबह पहनू, बात तो एक ही है ना। जाने दीजिए, मैं बबीता जी को फोन करके कहती हूँ कि मैं आपको ये लॉकेट वापस कर रही हूँ क्योंकि टप्पू के पापा को ये पसंद नहीं है, वो नहीं पहन रहे हैं। अरे मैंने ऐसा कब कहा भाई? नहीं, नहीं, कोई बात। हाँ हाँ बबीता जी। हाँ बोलिए दया भाभी। बात ये है कि आप ये लॉकेट है ना वो वापस ले लीजिए क्योंकि टप्पू के पापा ये नहीं पहनने वाले। अरे क्यों, आप कोशिश तो करके देखिए। अरे मैंने बहुत कोशिश की, कितना समझाया, लेकिन एक काम कीजिए ना, आप जरा समझाइए ना, तो मैं फोन देती हूँ उनको। हाँ मुझे यो यो देखिए फोन लेने से भी मना कर रहे हैं। हेलो बबीता जी। जीजा जी व्हाट इज दिस, ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप मेरा फोन लेने के लिए मना कर रहे हो? अरे नहीं बबीता जी, ऐसा कभी हो सकता है कि आप फोन पे हो और मैं बात ना करूं? बोलिए बोलिए। आप लॉकेट क्यों नहीं पहन रहे हो? नहीं नहीं, मैंने लॉकेट पहनने से मना किया ही नहीं है, मैं तो दया को ये कह रहा था कि अभी सोना है ना तो सुबह उठ के पहन लूंगा, लेकिन दया जिद कर रही है कि नहीं बस अभी पहनो। जीठा जी ये लॉकेट रात को पहनना जरूरी है। अच्छा जी हाँ, वो क्या है ना मेरी फ्रेंड रत्नावली ये बोल रही थी कि अगर आप रात को ये लॉकेट पहनकर नहीं सोएंगे ना तो पता कैसे चलेगा कि आपको ये लॉकेट पहन के सोने में कंफर्टेबल है कि नहीं। ठीक है ठीक है, तो मैं अभी लॉकेट पहन के ही सोता हूँ। ठीक है ग्रेट ग्रेट। और हाँ आपको दया भाभी ने बताया ना कि कल 12 बजे हम लोग मिलने वाले हैं? हाँ वो बताया, दया ने बताया मुझे। ओके ग्रेट, सो देन सी यू टुमारो। हाँ टुमारो टुमारो। ओके ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट जेठा जी। ओके गुड नाइट बबीता जी। थैंक यू थैंक यू। ला ला लॉकेट दे। क्या नहीं पहनना? मैं अपने हाथों से आपको पहनाऊंगी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पाताल से भी घरा कुआ हो ना तो वहां से भी पानी भरवा सकती है, ये पत्नियां अपने पतियों से कुछ भी करवा सकती है। तो देखिए करवा लिए, गोकुल धाम में एकदम सामने उदाहरण है हमारे, बहला के फुसला के लाड लड़ा के चलावे देखे, आखिर पतियों को लॉकेट पहनने पे मजबूर कर ही दिया, पहना दिया लॉकेट। पर पति बेचारे बेखबर मासूम, उन्हें पता ही नहीं कि क्या है, जिस तरह से नादान बच्चे बड़ों की दुनिया के दाव पेच से बिल्कुल बेखबर होते हैं, अनजान होते हैं, ठीक वैसे ही पति इस वक्त बिल्कुल अनजान है इस लॉकेट की असलियत से। अब देखने वाली बात यह है कि क्या पतियों को इस लॉकेट की असलियत पता चलेगी और क्या होगा जब असलियत पता चले। सवाल तो बहुत सारे लेकिन जवाब उतना ही मजेदार है
जितने रत्नावली के रत्न। जवाब पाने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।